बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मेरी प्यारी बहनों, आज हम काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए ज़बरदस्त नुस्खा लेके आई हूँ। ये पहली वीडियो में शेयर कर रही हूँ उनसे। तो ये नुस्खा जो मेरे बेटे बच्चे जो बहुत कमज़ोर होते हैं, सेहत जो है इतनी नहीं होती ज़्यादा, अच्छा खाने पीने के बावजूद भी वो हेल्दी नहीं होते। तो जिनको मेरी बेटियों को हेल्दी होने का शौक है, मेरे बेटे जो हैं उनको हेल्दी होने का शौक है, उनके लिए ये नुस्खा ज़बरदस्त है। नुस्खे में है जी, ये मगज़ बादाम है 250 ग्राम, मगज़ बनौला 250 ग्राम, ये जी सूरजमुखी का मगज़ है ये भी 250 ग्राम, कूजा मिश्री है ये 500 ग्राम है, ये मलट्ठी मक्षर है ये 150 ग्राम है, ये नारियल है जो पिसा हुआ नारियल मिलता है ये भी 250 ग्राम है, ये छोटी इलायची का दाना है जी ये 100 ग्राम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का चैनल जो है उससे मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो चैनल मेरा है ह्यूमैनिटी हेल्पर, तो उससे मेरी पहली वीडियो शेयर हो रही है। ये जी मैंने नुस्खा बनाया, बनौला था वो पीस लिया, ये जी मलट्ठी मक्षर कूजा मिश्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने साबुत चीज़ें आपको दिखा दी थी। ये जी मगज़ बनौला है 250 ग्राम, मलट्ठी मक्षर है 150 ग्राम, मिश्री है 500 ग्राम, मगज़ बादाम 250 ग्राम, ये बरादा नारियल है 250 ग्राम, मगज़ सूरजमुखी 250 ग्राम, बीज होते हैं जो सब्ज़ इलाची के वो है जी 100 ग्राम। सबसे पहले मैं बरादा नारियल जो है वो डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ अपनी बहनों को बेटियों को बता दूं कि ये जो नुस्खा मैंने बनाया है ये किस चीज़ के लिए है। ख़ासकर मेरे बेटे जो हैं नौजवान और मेरी बेटियाँ जिनकी सेहत कमज़ोर ही रहती है, वो जितना मर्ज़ी हेल्दी खाना खाएं लेकिन उनकी सेहत नहीं बनती अच्छी, तो उनके लिए मैंने ये नुस्खा तैयार किया है। ये इलायची डालते हैं, बनौला जो वो भी पिसा हुआ है, तो ये जी सूरजमुखी के बीज, तो ये है जी मगज़ बादाम। ये मिक्सी में बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन आज जब मैं काम करने लगी देखा मेरी मिक्सी ख़राब हुई थी, तो फिर मैंने कूट कर छान कर बनाया। ये है जी मलट्ठी मक्षर, तो ये एंड में डालते हैं जी मिश्री, जिसमें इसको अब मिक्स करते हैं। तो मैंने बताया कि जिन बच्चों की सेहत कमज़ोर रहती है वो हेल्दी नहीं होते, कुछ बेटियां भी होती हैं ऐसी, तो वो चाहती हैं कि हम थोड़ा सा जिसम संडोल सा हो जाए, तो उनके लिए भी, तो बेटों के लिए भी। तो आपने ये सारी चीज़ें मिक्स करके किसी अच्छे जो एयर टाइट बर्तन है उसमें डाल लेनी है। एक चम्मच जो खाने वाला वो सुबह दूध में डाल के, जो गर्म दूध जितना गर्म पिया जाए उसमें डाल के पी लेना, और एक रात सोने से पहले कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक लाजमी करें। कोई भी देसी नुस्खा जो होता है उसको 3 महीने और 6 महीने का वक़्त दरकार होता है, तो इंशाल्लाह ताला जब मेरे बच्चे ये करेंगे तो इंशाल्लाह दवाएं देंगे। हमारी आंटी ने बहुत अच्छा नुस्खा बताया हमें। अच्छा जी, अब डालते हैं ये कांच का मर्तबान है, बर्नी है, इसमें डालते हैं जो ये चीज़ें मैंने डाली अंदर, ये आराम से पंसारी की दुकान से मिल जाती हैं सब चीज़ें। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ें जैसे कि मगज़ बनौला या मगज़ सूरजमुखी निकला हुआ नहीं मिलता, तो आप नेट पे सर्च करें, उधर से आप मंगवा सकते हैं। ये एक चम्मच दूध में डाल के तो वो पीना है, तो मेरी बेटियों की भी सेहत काबिल रिस्क हो जाएगी और बेटों की भी।